पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तान के 700 सौ अफराद का आना ऐसे ही है जैसे कोई पेंडोरा बॉक्स खुलना लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान में कोई नई बात है या इवन जिन जिन कंट्रीज़ के हवाले से भी पेंडोरा पेपर्स के नाम आए हैं तो वो भी कोई अचंभे की दुनिया में बात नहीं रही अनफॉर्चुनेटली यह पार्ट ऑफ द डेली बन चुका है पॉलिटिक्स का भी और टैक्स रविजन के जो मामला है उसमें भी लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इस पर बिज़ी हो गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस पर बिज़ी हो गए क्योंकि उन्होंने एंटी करप्शन के हवाले से ही ये मैंडेट लिया बकौल उनके और इसके साथ साथ पिछले हफ्ते जब अमेरिका ने कहा कि हम पाकिस्तान के हवाले से तफ्तीश करेंगे कि अफगानिस्तान में इसका क्या रोल रहा तो उस हवाले से भी पाकिस्तान का मीडिया शोर मचाने लगा कि जी अमेरिका ने सेंक्शन लगा दी हालांकि सेंक्शन लगने की बात ही नहीं थी वो एक रेफरेंस था एक हवाला था ये हैं वो सब बातें और फिर हम बातचीत को आगे लेकर जाएंगे ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान के हवाले से और दुनिया क्या कहती है इन सब पे बातचीत होगी हमारे साथ न्यू लाइंस इंस्टीट्यूट के हमारे अपने आ, बहुत ही अच्छे कमेंटेटर कामरान बुखारी साहब के साथ कामरान साहब वेलकम आपको हम वाशिंगटन से करते हैं हर हफ्ते की तरह ये बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से जो पेंडोरा बॉक्स है मैं तो पेंडोरा पेपर्स नहीं कहता पेंडोरा बॉक्स है आप इसको और फिर कैसे जोड़ते हैं जो मीडिया बहुत दिनों से ये भी बात कर रहा है जी पाकिस्तान पे सेंक्शन लग गई लग गई सेंक्शन तो इन सब जो हिस्टेरिया है इसको आप कैसे देखते हैं जी आ, हिस्टेरिया ही है ता, तायर साहब तो उसमें देखें आ, ये इसके दो पहलू हैं इस तरह का जब कोई इंकशाफ होता है तो एक तो उसकी जो रिस्पॉन्स है वो मगरबी दुनिया या जो जिन मुल्कों में जमहूरीत है जहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस है जहाँ अदालतें हैं जहाँ आवाम के पास जो है वो आ, ताकत है वोट के ज़रिए और जमूरी माहौल के ज़रिए कि वो इस चीज़ को फिर आ, उ, 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 उसको एड्रेस करें प्रेशर बिल्ड होता है पॉलिटिकल लीड्स के ऊपर क्योंकि टैक्स पेयर कहता है कि भाई ये अच्छी बात है कि हमसे तो आप टैक्स काट लेते हैं हम जो तनख्वाहदार लोग हैं लेकिन बड़ा सरमादार जो है वो देखें वो उसकी छूट नहीं होती है और फिर जो है इसमें एक तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये सारी चीज़ें फिर सेलिब्रेट होती हैं कि ये जमूरीत की वजह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म और आ, इतनी मतहरक है कि वो इस तरह के इनकशाफ़ात हो जाते हैं जो लोगों ने अपना जो सरमाया है वो बैंकों में जो है ना रखा हुआ होता है या ऑफ शोर बैंकों बैंकों में रखा हुआ होता है या किसी तरीके से छुपा रहे होते हैं तो वो मंजर आम पे आ जाता है तो ये मग़रब की में इसका कॉन्टेक्स डिफ़रेंट होता है और मगरब में मैं समझता हूँ न सिर्फ ये जो फ्रीडम्स हैं उनकी निशानदेही करता है क्योंकि फ्रीडम्स की वजह से होता है ना ये आप इस तरह के जो इनकशाफात हैं ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी ये चीन में क्यों नहीं हो रहा ठीक है चीन में तभी ये करप्शन की बात आती है जब जो है आ, सदर जी चिंग पिंग जो है उन्होंने अपने मुखालफी को टारगेट करना था और अपने पाओं को मजबूत करना था तो उन्होंने करप्शन का सहारा ले लिया इसी तरीके से जो है दीगर और जो मुल्क हैं थर्ड वर्ल्ड के जहाँ पे जो है आ, मुख्तलिफ नोयीत की आमरीत है या सेमी आमरीत है सेमी जमूरीत है तो वहाँ पर भी इस किस्म का जो है वो हमें इंकशाफात नज़र नहीं आते ये बाज ये जो इंफॉर्मेशन है ये मगरब से हमें मिलता है तो फिर अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स में इसको देखा जाए तो देखें पहली बात तो ये है के, आ, आपने सही फरमाया क्योंकि जो है इमरान ख़ान साहब ने अपने आप को एंटी करप्शन क्रोसीडर जो है आ, या एंटी करप करप्शन जो वो जिहाद लड़ रहे हैं बक, अपनी बकौल अपने के वो उस कॉन्टेक्सट में और हाईली पोलिटिस कॉन्टेक्ट में फिर इसके ऊपर गुफ्तु होती है लेकिन असल बात तो ये है कि देखिए करप्शन का अजाला तो नहीं हो रहा ना तो अगर पता भी चल जाएगा तो क्या ये लोग कैफरे किरदार तक पहुंचाए जाएंगे या फिर ये है कि कुछ लोगों को वो टारगेट किया जाएगा जैसे आ, अपना पनामा पेपर्स में सिर्फ मियां नवाज शरीफ को टारगेट किया गया था सिलेक्ट सेलेक्टिव किस्म की वो एक जस्टिस हो रहा था और वो पुलिटिसाइज था उस उनको जो है वो मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलत काम नहीं किए तो सिर्फ उनको क्यों पकड़ो और लोगों को भी पकड़ो सिर्फ वो तो नहीं थे ना लेकिन वो पूरे का पूरा जो स्पॉटलाइट है वो उन पर आ गई उसकी वजह ये था कि उसके पीछे एक पोलिटिकल इम्पेरेटिव था उनको जो है वो सीन से गायब करना उनको वो उनका जो उनकी हुकूमत को गिराना और उनको पोलिटिकली वीक करना तो इस कॉन्टेक्स में होता है फिर इस किस्म के इनके शफात को पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर पोलिटिसज किया जाता है जहाँ पहले से ही करप्शन को वेपनाइज किया गया है और ये ख़बर जो है फिर ठंडी हो जाएगी कुछ हफ़्तों महीनों में लोग भूल भी जाएंगे जैसे अब उस तरीके से पनामा की बात नहीं होती आ, कभी कभी बात की जाती है वो भी फुट नोट के, के हवाले से कि अच्छा वो हुआ था नवाज़ शरीफ की बात जब आती है तो अच्छा पनामा की बात आती है वरना लोग भूल गए हैं लोग जो है इसी ये इसी तरीके से ये पेंडोरा को भी लोग भूल जाएंगे और जो लोग जो है वाकई ही अपनी जो लूटा हुआ माल जिसको कहा जाता है आ, या उन्होंने अगर पैसा बनाया और उस पर टैक्स नहीं दिया ब्लैक मनी है जो भी है उसका तो तदारक मुझे होता हुआ नजर नहीं आता तो ये जो है ये एक शोशा है एक मीडिया हाइप है जिसमें हम जो है ये डिस्कोर्स का हिस्सा बनेगा तो ये फर्क है पाकिस्तान जैसे मुल्क का और एक आमराना सिर्फ पाकिस्तान नहीं जहां पे भी आमराना निज़ाम है क्लोज सोसाइटीज हैं ऑटोक्रेटिक रेजीम्स हैं तो वहाँ तो जो है इसकी शोर शराबा होता है मैं मतलब अब इस वक्त जो वो हॉट सीट पे जो है जॉर्डन के जो बादशाह हैं जो अब्दुल्ला अस्सानी जो हैं वो उनके ऊपर भी जो है वो बहुत स्पॉटलाइट है तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत शोर शराबा होगा अब पाकिस्तान में ये होता है कि चूंकि वो एक सेमी डेमोक्रेटिक सेमी अथॉरिटेरियन कुछ सिस्टम है तो वहाँ पर मीडिया में तो बात आ जाती है और चूँकि वह गुफ्तु उसे कहते हैं बीटिंग इट टू द डेथ वो आप बात करके तो वो गुब्बारे में से हवा निकाल देते हैं वो यू लेट पीपल है जो है ना वो ब्लो ऑफ स्टीम जिसको कहा जाता है तो जो वो डिफ्यूज़ करने के लिए उस सिचुएशन को क्या अच्छा मीडिया में गुफ्तु हो रही है और लोग जो है एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी बातचीत होती है आजकल के ज़माने में सिविल सोसाइटी के लेवल के ऊपर तो वो उस तरीके से उसको प्रोसेस किया जाता है नेशनली अब उर्दन जैसा मुल्क जो है वहाँ बादशाहत है थोड़ा बहुत पार्लिमानी निज़ाम जो है कोई पार्लिमानी कल्चर है लेकिन आखिर में तो बादशाहत है ना तो वहाँ पर फिर ये होता है कि फिर अरब स्प्रिंग टाइप की जो सिचुएशन है वो हो सकती है उसका खतरा होता है लेकिन असल जो मसला है जो करप्शन का है वो उसका अगर कहीं हल होगा तो वो जमहूरी मुल्कों में होगा वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने जो जिन्होंने जो इस इन सब कारस्तानी में मुलिस हैं उनको कैफरे किरदार तक लाना उनको जस्टिस तक पहुंचाना जो है वहाँ तो वो चीज़ मगरबी कॉन्टेक्ट में हमें होती हुई नज़र आती है वहाँ पे भी मतलब कोई परफेक्ट नहीं है बहुत सारे लोग जो हैं गेट अवे विद इट वाला सिलसिला है लेकिन अगर कोई एहतसाब होगा अगर इंसाफ मिलेगा लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा उसकी जो लाइटलीहुड है वो मगरबी ममालिक में होगी जहाँ से ये इंफॉर्मेशन आती है और वहाँ पर फिर जो है उन लोगों को आप आ, अपना आ, वो अदालतों में ला सकते हैं उनके खिलाफ केस कर सकते हैं पाकिस्तान में तो ये शोशा है इट्स अ टॉकिंग पॉइंट मीडिया के लिए और कुछ अर्सा चलेगा फिर कोई और टॉकिंग पॉइंट आ जाएगा और टॉकिंग पॉइंट्स में आजकल कोई कमी नहीं है क्योंकि इलेक्शन भी अनकरीब आ रहे हैं और जो सियासी पोलराइजेशन है वो भी ये बहुत ज़्यादा है मुल्क के जो है माली हालात और इकनॉमिक हालात ठीक नहीं है ऊपर से जो है तालिबान जो है सिर्फ दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहे दरवाजे के अंदर भी घुस चुके हैं पाकिस्तान के तो ये इश्यूज जो हैं ये कहीं फिर जो है भूल जाएंगे लोग कि पेंडोरा भी कोई चीज़ थी और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा आपने टॉकिंग पॉइंट की बात की बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट हैं अब दो तीन बातें मिली हुई हैं जैसे पिछले दिनों अमेरिका में ये कहा गया पाकिस्तान के हवाले से कि तहक़ीक होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने तालिबान का किस अंदाज में अब तक साथ दिया है एक तो ये बात की गई और रिपब्लिकन सैनटर्स ने बात की आपका भी मैंने एक स्टेटमेंट देखा बीबीसी पे आपने कहा कि ये कोई बहुत आगे तक नहीं जाएगा मगर फिर इमरान खान का एक इंटरव्यू गलबन टी के साथ था टर्कश टेलीविजन के साथ उन्होंने कहा कि हम तहरीक़े तालिबान वालों से बातचीत कर रहे हैं तो लोगों ने यह सवाल उठाया कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ क्यों बातचीत कर रहे हैं तो ये दो जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं ये बड़े पाकिस्तान में अभी भी चल रहे हैं एक तो ये कि अमरीका पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में क्या सलूक करेगा और जुड़ी हुई है बात ज़ाहिर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ इन दोनों को आप कैसे जोड़ेंगे और कैसे देखते हैं देखिए इमरान ख़ान साहब वो आ, हमारे दोस्त हैं मुशरफ जैदी तो उन्होंने बड़ा अच्छा मज़मून लिखा पिछले हफ़्ते ये एक्सप्लेन करते हुए कि जो स्ट्रटिजिक कैलकुलस पॉलिटिकल कैलकुलस इमरान खान का क्या है इस हवाले से कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट में कि 2023 में इलेक्शन होना है तो क्या वो इलेक्शन जीतने के लिए क्या कर रहे हैं तो उनकी तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है वो द न्यूज़ के अंदर और इस हफ्ते उन्होंने जो उनका मजमून छपा है उसमें उन्होंने वही मॉडल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी पर लगाया है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इलेक्शन जीतना है तो उनको क्या करना पड़ेगा या वो वो उनके क्या चैलेंजेस हैं तो अगर उस प्रिज्म से मैं जो है उनके प्रिज्म को बौरव करूं यहाँ पे तो उसमें यही नज़र आता है कि देखें इमरान खान साहब एक्नॉमिकली जो है वो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर के दिखा पा रहे आ, ना ही जो है बल्कि इकानमी जो है वो वर्स हो गई है करप्शन तो तो के खिलाफ आ, वो भी कहीं नहीं जा रहा वो लूटी हुई दौलत वापस नहीं आ रही वो जो भी उन्होंने वादे किए थे उनकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा लेकिन जो भी किए थे वहां पर भी कोई उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं नजर आती जिस वजह से पेंडोरा को इतना ज़्यादा वो उछाल रहे हैं क्योंकि वो उनको एक अपरचुनिटी मिल जाती है वो अपने जो उनका जो नैरेटिव है जो बयानियां है उसको मज़ीद जो है तकवीत देने के लिए कि देखें मैं ना कहता था और ये अभी और लोगों के बारे में निकलेगा और फिर जब उनके पार्टी के लोग उसमें मुलविस नज़र आते हैं तो वो कहते हैं कि कोई भी होगा तो मैं जो हम तो उसको इंसाफ के कटारे में लेके आएंगे तो ये सारा उनका सिलसिला चल रहा है क्योंकि उनके पास कुछ दिखाने को एक्चुअली पॉलिसी के लिहाज से कुछ दिखाने को नहीं है अब आते हैं तालिबान के ऊपर देखें आ, इस वक्त वजीर आजम वो हैं तालिबान को वो भी जानते हैं ठीक है लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो दिखाना है ना क्योंकि अब कौन और जो मजमुई तौर तो पर जो पाकिस्तान के अंदर जो खतरा है वो ये है कि वहां तो आ गई इमारत इस्लामी अफगानिस्तान में अब उसका जो मुजिर असरात हैं जो हम और आप आपके शो के ऊपर जिन्हें डिस्कस कर चुके हैं कई दफ़ा उससे कैसे पाकिस्तान को बजाया जाए तो सबसे जो इमीडिएट जो मोहलक आउटकम है वो ये है कि टी टी पी हरकत में आ गई है और बकौल हकूमत पाकिस्तान के और पाकिस्तानी मीडिया के, के बहुत हमले हो रहे हैं तो अब वो उन वो कैसे ये दिखा सकते हैं कि भाई एक तरफ हम तालिबान हुकूमत में आ गए क्योंकि उनका बयानिया ये है कि देखें उन्होंने जो है वो स्लेवरी को हटा दिया जो आ, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है तो फिर वो कैसे सेलिब्रेट हो और साथ में टीटीपी को कैसे स्क्वायर किया जाए तो वो जो उन्होंने टी आर टी को अली मुस्तफ़ा को जो हमारे दोस्त हैं उनको जो इंटरव्यू दिया वो उस कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि भाई देखें हम कुछ हम जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं अब मसला हल तो हो नहीं सकता बातचीत से भी मसला हल नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट जो है जब भी कोई सियासी लीडर एक्चुअली डिलीवर नहीं कर पाता तो कम अज़ कम वो अपने आप को ऐसा जाहिर करने की कोशिश करता है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं आई एम वर्किंग ऑन इट तो उससे आपको टाइम मिल जाता है आपके सपोर्टर कॉम के अंदर ये होता है अच्छा यार हम बात कर रहे हैं लेकिन ये इसके ऊपर एजाज हैदर साहब जो है उन्होंने बहुत अच्छा मजमून लिखा था द फ्राइडे टाइम्स के अंदर कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया उन्होंने ये बात कह के कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये नगोसिएशनस के जो लॉजिक और जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है दूसरा ये है कि आप जब बातचीत करते हैं तो बैक चैनल में करते हैं उसको मंजर आम पे नहीं लाते और फिर तीसरी बात यह है कि आप आ, ये नज़र आते हैं कि आप बैकफुट पर हैं पोजिशन ऑफ रिलेटिव वीकनेस से आप मुजाकरात कर रहे हैं आप आप अपने आप को वीक दिखाते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि इमरान ख़ान साहब क्यों कर रहे हैं जैसे मैंने पहले अर्ज किया उन वो अपनी उन्होंने अपनी साख को बेहतर करना है क्योंकि इलेक्शन में होना है चाहे वो अगले साल होना है या उससे अगले साल होना है होना तो है तो अपने आप के लिए मज़ीद एक टर्म हासिल करने के लिए और फिर ये है कि उन्होंने अपने जो सपोर्टर हैं जो उनके जो आ, जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके सामने भी जाहिर करना है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि आ, ये बात सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुश नहीं है उनकी परफॉर्मेंस से क्योंकि इकोनॉमिक इकोनॉमिकली तो जो मुल्क का हाल है वो सबको पता है Uh, मैं नहीं समझता इस्टबलिशमेंट किसी भी जो है ना मुगालते का शिकार है तस्वीर उनके सामने भी साफ जो है उनको दिखाई दे रही है तो जाहिर है उनको अपने बॉसेस को जो इस्टेब्लिशमेंट में हैं जो उनको लेके आए हैं हकूमत में तो उनके सामने भी तो कुछ डिलीवर करना है ना कि उनको दिखाना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये सारा सिलसिला फिर ये कि कौम को भी दिलासा दिलाना है कि मुझे सम, मुझे पता है कि करना क्या है यहाँ पे आई हैव इट अंडर कंट्रोल तो ये जो बयान आता है कि हम टी, -टी से बात कर रहे हैं ये एक तो वो टाइम बाय कर रहे हैं दूसरा ये है कि वो ये दिखा रहे हैं कि मैं इस पर लगावा हूँ और आप वो जैसे वजीर एजम साहब खुद कहते हैं कि जी घबराइए नहीं तो ये वो कह रहे हैं कि घबराइए नहीं मेरे मैंने ये चीज़ें मैंने संभाली नहीं हैं आप बस भरोसा कीजिए आपने कहा वो कहते हैं कि भरोसा कीजिए लेकिन अभी भी पाकिस्तान की आवाम की नज़रें अमरीका पर लगी हुई हैं और लगी रहेंगी वो एक नेचुरल बात है और अमरीका के साथ जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो एक बहुत बड़ा सवाल है और पीछे मैंने अभी कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है पाकिस्तान के मीडिया का पाकिस्तान की एलिट का आप ख़ुद अमरीका में बैठे हुए हैं दोनों मुल्कों को बहुत गरीब से जानते हैं समझते हैं क्या फ्यूचर आपको नज़र आता है देखिए अमरीका पाकिस्तान को बिल्कुल ताला नहीं लगा सकता यानी बिल्कुल सेंक्शन करके तो खुदा खुदाफ नहीं कर सकता लेकिन उससे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान की है पाकिस्तान के जो माली मुश्किल हैं वो कैसे हल होंगे इन्वेस्टमेंट से हल होंगे ना कहाँ से आएगी इन्वेस्टमेंट चीन लाख देगा चीन तो कर्जा देता है चीन अगर सीपैक बनाता है तो अपनी कंपनियों को जो है वो अपना पैसा अपनी कंपनियों को देता है और अपने वर्कर्स लगाता है हाँ उसका फ़ायदा जो है होता है पाकिस्तान को जब वो चीज़ बरूए मतलब मार्ज वजूद में आ जाए जो प्रोजेक्ट पे काम होता है अगर वो बन जाए लेकिन सीपेक भी भी डोल है उसका मामला भी रुका हुआ है तो क्या रूस देगा पैसे कौन देगा पैसे पैसे तो मगरब से ही आएंगे ना आई से लेना है इन्वेस्टर्स जो हैं वो वेस्टर्न हैं तो कहाँ से आएगा ये पैसा तो पाकिस्तान की जरूरत है कि वो अमेरिका के साथ अपने हालात को बेहतर करे अब वो जब तक वो बातचीत चल रही है अब वो तो आप जाहिर नहीं करेंगे ना क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स पूरी की पूरी अगर इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स ये है कि उसको वो एक मीम में सम अप किया जा सकता है एब्सोल्युटली नॉट तो एब्सोल्युटली नॉट से वो ये है कि वो अवाम के अंदर जो फार राइट जो व्यूज़ हैं जो तकवीत पकड़े गए पकड़ रहे हैं चाहे वो राइट विंग नेशनलिज्म है या रिलीजियोसिटी है या रिलीजियस नेशनलिज्म है जो भी है वो आ, वो जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है जिस उनको खुश करने के लिए वो कहते हैं लेकिन उनको भी पता है कि पसे पर्दा आप बयानिया कुछ भी दे दें लेकिन बिहाइंड द सीन्स आपको उन के साथ यू टर्म्स और अमेरिका को भी इसी तरीके से पता है अमेरिका भी शेप कर रहा है बिहेवियर ये जो रिपब्लिकन जो बाइस सेनेटर्स ने जो है वो एक रेजोल्यूशन बनाई है तो वो जैसे जा, जा, मैंने बीबीसी को भी बताया वॉइस ऑफ अमेरिका पे भी मैंने उस पर बातचीत की और जगहों पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि देखें पाकिस्तान को सेंक्शन करना गोल नहीं है अमरीका का सेंक्शन होते हैं टूल होता है बिहेवियर को शेप करने के लिए सेंक्शन बहसियत बह, बह, खुद कोई एंड गेम नहीं है इट इज़ अ टूल ईरान पे सेंक्शन लगते हैं इसलिए थोड़ी कि ईरान बस वो सेंक्शन लग गए बस जो है ना मिशन अकॉम्पलिश सेंक्शन से तो बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की जाती है कि अच्छा अगर आप नहीं मान रहे तो आप पे हम मजीद दबाव डालेंगे तो ये दबाव का एक आला है तो अभी तो मुझे सेंक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि देखें अभी तो अमरीका को अफगानिस्तान के हवाले से वहां से निकल आया तो जो नया मैकेनिज्म है नई मॉडल विवेंडी है जिसके तरीके से इस इस खत्ते को मैनेज किया जाएगा अफगानिस्तान को मैनेज किया जाएगा उसको वो तो अभी पॉलिसी स्ट्रेटजी जो है उसको बनाया जा रहा है तो उसके दौरान जब वो बन रही है तो जो मुल्क जिसका सबसे लंबा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ और उसके हज़ार हा प्रब्लम और फिर अगर आपने तालिबाइजेशन को जिहादिज्म को इस्लामिज्म को अफ़गानिस्तान के हदूद अरबे में बॉक्स करना है तो पाकिस्तान को सेंकशन करके तो बॉक्स नहीं होगा वो तो बल्कि पाकिस्तान को अगर ऊपर दबाव पड़ेगा तो जो तालिबान जो अनासर है वो उसका फ़ायदा उठाएंगे ये अमरीका को भी पता है तो ये अमरीका के मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान मजीद कमज़ोर हो जाए लेकिन पाकिस्तान जो है टू तो गेट पाकिस्तान टू तो अग्री ऑन थिंग्स जो अमरीका को चाहिए तो उसमें फिर ये आप जो है सेंक्शन का कार्ड वेव करते हैं ठीक है और ये अमेरिका इस वक्त कर रहा है और पाकिस्तान को भी पता है लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि इमरान खान साहब आपको आके जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो ये एक्सप्लेन करेंगे वो तो यही कहेंगे एब्सोलूटली नॉट अगर वो लगा रहे हैं सेंशन तो लगाते रहे हमारे पास और ऑप्शन हैं तो वो भी सीना पीटेंगे सियासतदान है ना एस तो नहीं है वो एनालिसिस उनके कारोबार में तो नहीं है वो तो हम और आप ये गुफ्तगु कर रहे हैं वो तो सियासत कर रहे हैं सियासत जो है वो डोमेस्टिक भी होती है फॉरेन पॉलिसी पे भी होती है फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर आप जो है बिहाइंड द सीन्स बात करते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप मीडिया के आप ऊपर आके तो आप जो है वो टारजन की तरह अपना सीना पीटते हैं और अपने आवाम को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं ख़ासतौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब हालात बहुत बुरे हैं और लोगों की तनकीद आपके ऊपर बढ़ रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई जो है अपना इस महंगाई ने मार दिया बेरोज़गारी ने मार दिया और uh, क्या मिला कहाँ से इंसाफ तो नहीं आया ना ही करप्शन रुकी और uh, तनकीद जब बढ़ती है तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करते हैं सदर ट्रंप भी यही कर रहे थे ये जो तालिबान के साथ जो मुहिदा मु, मु हुआ है तालिबान की तो लॉटरी लग गई ना कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कह रहे थे कि भाई ये फॉर एवर वॉर खत्म कर दो क्योंकि मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है उसको कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों के साथ वो चाहते हैं कि अमरीकी अमरीका किसी जंग का हिस्सा ना बने और वो भी कुछ दिखा नहीं पा रहे थे ना उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे मेक्सिको की वॉल बनाएंगे फलाना करेंगे धमकाना करेंगे जो है इकोनमी बेहतर होगी चाइना से जो है वो जैसे आ, आपके इमरान खान साहब जो है कहते हैं हम लूटी हुई दौलत वापस लेके आएंगे ट्रम्प साहब कहते थे कि हम जॉब्स चाइना से वापस लेके आएंगे तो कैसे आ सकती है ना हो तो नहीं सकता ना तो फिर आप कुछ ऐसी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो आपकी तरफ आपको ये लगता है कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है आप लो हैंगिंग फ्रूट को जो है फिर हासिल करने की कोशिश करते हैं उन्होंने कहा अच्छा यार किम जॉन्ग उनके साथ मैं बात कर सकता हूं पहले वाले लोगों को बात करनी नहीं आती थी मैं डील बना लूंगा मुझे डील बनानी आती है वहां पे भी कुछ नहीं हुआ चीन के साथ मैं डील बनाऊंगा चीन के साथ भी डील नहीं बनी ईरान के ऊपर मैं दबाव डालूंगा और उनको कहूंगा कि नई डील बनाएंगे वो ओबामा की डील गल, गल, गलत थी मैं अच्छी डील बनाऊंगा वो भी नहीं हुआ फिल आखिर एक चीज निकली वो थी तालिबान की डील तो तालिबान की डील बन गई लेकिन मैं, जैसे मैंने अर्ज किया तालिबान लखी हो गए कि उनको वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया कि वो आ, अपना डील बनाएंगे और उसके बाद जो है इस मामले को अख्ताम तक लेके जाएंगे जैसे भी करेंगे तो ये इसी तरीके से आ, लीडर जो हैं वो जब उनके पास कुछ दिखाने को नहीं होता इमरान खान साहब के पास अभी कुछ दिखाने को नहीं है उनके देखें बहुत सारे लोग अभी भी उन पर अतमाद करते हैं आप भी उन लोगों से मिलते हैं वो ओवरसीज़ भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर भी बैठे हुए हैं जो अभी भी उनके ऊपर अतमद करते हैं और कहते हैं कि नहीं वो बड़े मुश्किल में है और वो जो है वो हक का झंडा लहरा रहा है और वो उसके लिए हालात बहुत मुश्किल हैं तो देर गिविंग हिम मोर टाइम वो उनको मजीद जो है वो वक्त दे रहे हैं और वो उनके उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो जो है उनके सपोर्ट सपोर्टर कहते हैं कि या उनको फ़ौज निकाल देगी या वो रिज, उनको जो है ना वो रिज़ाइन कर देंगे क्योंकि वो इस गंद का हिस्सा नहीं बनना चाहते वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे और जब वो देखेंगे कि वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पा रही उन्होंने अपनी पूरी जोर लगा लिया तो फिर वो अपने आप को इस करप्ट सिस्टम से हटा देंगे तो ये उनके उनको ज़ाहिर है साथ लेके चलना है ना और फिर उस पर बिल्ड करना है वो खाली वो लोग तो वोट नहीं इलेक्शन नहीं जितवा सकते इमरान खान साहब के सामने डोनाल्ड ट्रंप का हाल साफ जो है ना नज़र उनको आया है कि 75 मिलियन वोट लेने के बावजूद इलेक्शन हार गए क्यों क्योंकि वो अपने कोर के ऊपर रिलाय कर रहे थे बे गैलरी पे प्ले कर रहे थे और थोड़े से और लोगों को साथ लिया हुआ था और चूंकि दूसरी साइड ना अहल थी उनको उनके बारे में कहा जाता है चाहिए बाइडन क्या करेगा या वो सोशलिस्ट क्या करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर या कमला हैरिस क्या कर देगी तो बहुत सारे लोगों ने इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को नहीं वोट दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते थे इसलिए पसंद किया क्योंकि वो दूसरी साइड को बहुत बुरा समझते थे तो इमरान खान साहब भी सोच रहे हैं कि अच्छा भाई बेस तो मेरे साथ है अब जो है बाकी लोग जो छुट रहे हैं उनको किसी तरीके से इस हेमरेजिंग को स्टेम किया जाए और ये बेसिकली कहा जाए कि अच्छा अगर मैं नहीं कर पा रहा तो मुझे हटा दो लेकिन हटाओगे तो देखो कौन आएगा नून लीग आ जाएगी वापस दोबारा ठीक है तो बेहतर यह है कि मुझे ही वोट दो तो ये सिग्नलिंग हो रही है चाहे वो जो है अमेरिका की जो साथ जो फॉरेन पॉलिसी है चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी है चाहे करप्शन है पेंडोरा है जो भी है उसके पीछे लॉजिक ये है देखिए बात बिल्कुल आपने ठीक कही लेकिन सवाल कामरान साहब वहीं का वहीं है कि हम देखते हैं गुजत कु कुछ सालों से अमेरिका की तरफ से अमदाद तो बंद हो गई ट्रंप साहब के, के ज़माने में बंद हुई और जो बाइडन के ज़माने में खुली नहीं और अमेरिका की जो मदद से या इनके सिग्नल से यू कहना चाहिए जो आ, दूसरे मालियाती इदारे देते हैं पाकिस्तान को या पाकिस्तान जैसे मुल्कों को अमदाद अगर हम पाकिस्तान पर प्रिसाइजली बात करें तो वो सवाल यह कि जो बिल्कुल नियर फ्यूचर है वो आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका की तरफ से कभी अमदाद खुलेगी या तालिबान की वजह से और सख्ती होगी इसमें थोड़ी जरूर रोशनी डालिए देखिए अमरीका तालिबान से डील नहीं करना चाहता फिलहाल लेकिन अमरीका ने इस सारे खेल को किसी तरह से संभालना भी तो है ना तो ये ऐसा ही है कि जैसे आप अगर मैं तुर्की की मिसाल देता हूं तुर्की बैक वक्त रूस और अमरीका दोनों को नाराज नहीं कर सकता जाएगा कहां पर एक के साथ होता है एक के साथ ज्यादा झुकाव होता है तो दूसरे को वो आंखें दिखाता है तो ऐसा ही है अमेरिका का भी हाल सिर्फ रिवर्स में कि अगर तालिबान के साथ आपको बातचीत नहीं करनी तो तालिबान के जो नेक्स्ट क्लोज हैं उनसे तो करनी है ना तो वो पाकिस्तान है तो वो करेंगे इमरान खान साहब और जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो पाकिस्तान की मजमू तौर पर क़्यादत है वो इस चीज़ के ऊपर बैंक कर रही है कि यार ये इनका गुजारा हमारे बगैर नहीं है कुछ ना कुछ ये गुंजाइश देंगे कुछ हमें देनी पड़ेगी कुछ हम वो हमें देंगे अमरीका जो है वो भी जानता है कि पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरह का को तो सौदा होना है लेकिन वो इतनी जल्दी जिसे वो कहते हैं ना अंग्रेजी में डी सी डजन वॉन्ट टू थ्रो इन द टावल जस्ट याट तो किसी डी सी के पास अभी टाइम है बैट इंतज़ामिया के पास टाइम है ये जो कहते हैं ना जी बात नहीं कर रहे कॉल नहीं आ रही इस वजह से कि वो समझते हैं कि भाई अभी इतनी जल्दी क्या है थोड़ा सा और इन इनको तक, हमारे पास वक्त ज्यादा है इनके पास वक्त कम है इनकी तकलीफ जब बढ़ेगी तो ये फिर खुद ही हमारे पास आएंगे तो फिर उस वक्त जो है ना वो डील सही उस वक्त बनेगी तो वो जो है इस वक्त प्लेइंग हार्ड टू गेट कर रहे हैं अमरीका वाले और अमरीका ज़्यादा देर तक प्ले हार्ड टू गेट कर सकता है क्योंकि अभी तो मतलब तालिबान आए ना हुकूमत में अभी तो उनको वो जैसे पंजाबी में कहते हैं सुटी पड़ी हुई है कि हम मिल गया है तो अब करें तो करें क्या तो अमेरिका के पास अभी जो है वो गुंजाइश है पाकिस्तान के पास इतनी गुंजाइश नहीं है तो मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान जो है कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा क्योंकि आईएमएफ का तो लोन चाहिए ना चले अमेरिका अंदाज नहीं देता बरह रास्त कोई क्या ये नहीं कहता कि अच्छा भाई छः बिलियन पाँच बिलियन दो बिलियन एक बिलियन की आपको हम पैकेज दे रहे हैं चलो वो तो नहीं होगा ठीक है वो तो हमें नजर आ गए वो तो बड़े जमाने से वो तो ओबामा इंतजामिया से हिली क्लिंटन साहबा जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तो उन्होंने कहा था कि तो हमारे टैक्स पेयर तो भाई वो मतलब उन्होंने जो करना था आपके लिए कर दिया अब आपका टैक्स पेयर आप उस पर रिलाई करें यानी कि आप अपनी बंदोबस्त खुद से करें तो हमारी तरफ से नहीं आएगा तो अमरीका की तरफ से तो शायद इमदाद ना आए लेकिन अमरीका के जरिए आई एम एफ के थ्रू आ सकती है वर्ल्ड बैंक के थ्रू आ सकती है यूरोपियंस के थ्रू आ सकती है तो आई थिंक उसके लिए पाकिस्तान को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे लेन देन करना पड़ेगा फिर वहां पर दो किस्म के कॉम्प्रोमाइज हैं एक सियासी जियो पोलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेज हैं जो अमरीका के साथ करने दूसरे कॉम्प्रोमाइज वो हैं कि जो ब्योरोटिक कॉम्प्रोमाइज होता है कि मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है ना आईएमएफ का कि अच्छा यार अगर हम आपको एक्स अमाउंट ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे तो उसके शर्त ये है कि आप ये 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 अपनी इकॉनमी एकौ में रिफॉर्म्स लाएंगे तो वहां पे बैक एंड फोर्थ होगी वो कहेंगे अब इमरान खान साहब की हुकूमत कहेगी कि भाई यार ऐसा ना करें क्योंकि अगर हमने महंगाई कर दी जो है सब्सिडीज़ काट दी या सर चार्ज बढ़ा दिया बिजली का या तेल के ऊपर जो है टैक्स बढ़ा दिया या जो भी कीमत बढ़ गई तो हमारी हुकूमत का प्रॉब्लम हो जाएगा तो ना आपके मुफाद में ना हमारे मुफाद में कुछ गुंजाइश कीजिए तो ये वो कहेंगे नहीं यार जो है आप हमारा कर्ज़ा कैसे वापस करेंगे अगर आप ये तब्दीलियाँ नहीं लाएंगे तो आपकी रेवेन्यू जन स्ट्रीम आप हमारे पास इसीलिए आए हैं ना कि आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है तो हम आपको कर्जा दे रहे हैं हम ये भी इस उम्मीद पे कि आप कर्जा वापस करेंगे तो कर्जा जब आप वापस करेंगे तो कैसे करेंगे उस के लिए आपको ये टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे और यू हैव टू एक्सटेंड दिस अपना टैक्स पेयर तो तक आपको जो है इसके ऊपर यू कैन नॉट गेट अवे विदाम तक इसकी जो है वो अ, इसका असर ना पड़े दर इज नो वे अराउंड हाँ थोड़ी बहुत इधर गुंजाइश कर लेंगे कि अच्छा भाई आप इतने स्ट्रिक्ट रूल्स ना लगाएं यहाँ थोड़ा सा गुंजाइश कर दें ताकि हमें जो आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ेगा उसको कम से कम करें और आपसे ज्यादा से ज्यादा कर्जा तो क्या वो फार्मूला है तो इसके ऊपर बातचीत हो सकती है बाकी तो कोई गुंजाइश नहीं है मैं नहीं समझता आखिर में ये बताइए कि तालिबान बहरहाल एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आजकल जो कम्युनिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती तालिबान की हुकूमत के हवाले से आपने एक पंजाबी का फ्रेज़ इस्तेमाल किया कि उनको तो ख़ुद पसूड़ी पड़ी हुई है वो वाकई बहुत ठीक बैठता है पिछले दिनों ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी बड़ी सख्ती से जो पनशीर में तालिबान की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उस पर बहुत शदीद रद्दमल आया उजबेकस्तान भी खुश नहीं है तुर्कमानिस्तान भी खुश नहीं है और आपने और मैंने पीछे कई दफ़ा बात की कि सेंट्रल एशिया एक नेक्स्ट बैटल फील्ड है तो तालिबान की जो नई नई बनने वाली हुकूमत है उसको जो पसूड़ियाँ पड़ी हुई हैं इस पर जो सेंट्रल एशिया का जो दबाव है वो आपको कैसे दिखता है आखिर में इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली है जी देखें ताजिकिस्तान के सदर जो मतलब फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं उसके पीछे जो है सिंपल सी एक लॉजिक है और वो लॉजिक जो है वो ये है कि ये पहली दफा है कि जो ताजिक मेजोरिटी एरियाज हैं शुमाल के जो शुमाली इलाका जहाँ हैं अफगानिस्तान में वहां पे बहुत ही गहरे तरीके से तालिबान ने अपनी जड़ें बिठा ली मतलब उन इलाकों को काबू कर लिया ना पंछी नहीं रह गया था एक एक सूबा जहाँ पे नहीं था वहां पर भी उन्होंने कर लिया लेकिन जिस तेज़ी से काबुल में आने से पहले उन्होंने पहले शु, आ, शुमाल मगरबी और शुमाली जो सूबे थे वहां पे अपने आप को आ, वो टेक ओवर कर लिए उससे अब ये है कि अब इन इलाकों से आ, वो जो बफर था जो ताजिक रेजिस्टेंस थी यानी फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस या जमीयत इस्लामी अहमद शाह मसूद का ग्रुप और जो दीगर और जो ताजिक जो है फोर्सेस थी जैसे आ, अपना आ, अता मोहम्मद नूर बल्ख में थे इसी तरीके से जो है और जो दीगर वॉर लॉर्ड्स थे जिनका अपना जिनकी फोर्सेस थी वो सब की सब जो हैं वो हार गई हैं और तालिबान आ गए हैं गालिब पहली दफ़ा ऐसे हुआ है अब वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और पहले ये होता था कि ताजिकिस्तान जो है इन अफ़गान ताजिकों को उनकी उनके इमदाद करता था और सोचता था कि अगर हम इनकी इमदाद करेंगे तो ये हमारे और तालिबान के दरमियान एक दीवार है वह दीवार खत्म हो चुकी है अब ये है कि तालिब अगर तालिबानाइजेशन अफगान ताजिकों में फैल रही है फैल गई है तो कितनी देर लगेगी कि वो बॉर्डर क्रॉस करेगी और हमारे ताजकों में आ जाएगी आपको याद होगा ग्यरा साहब कि आप शायद उस जमाने में वहीं थे सेंट्रल एशिया में थे जब 1992 में सिविल वॉर हुई थी अफगान ताजिकिस्तान के अंदर जिसमें एक तरफ जो है जो आ, इस्लामिस्ट और जो जमहूरियत पसंद लोग थे वो एक तरफ थे और जो रहमान की जो गवर्नमेंट थी वो एक तरफ थी और बड़ी मुश्किलों से वो जो है वो हुकूमत ने इस्लामिस्ट को जो इस्लामिक रेनासानस पार्टी आईआरपी करके उनका नाम था तो उनके साथ एक जो है सीज फायर हुआ फिर उनको हुकूमत में ले आए फिर उनको किसी तरीके से कमज़ोर किया गया और फिर वो बिल्कुल उनको जो है उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया तो न्यूट्रलाइज का मत करने का बाय डेफिनेशन ये होता है कि ख़त्म तो नहीं हुए लेकिन कमज़ोर कर दिए गए अब अगर तालिबान आ गए हैं बॉर्डर के इस तरफ और वो ताजिक इलाकों में उनका असर रसूख अफगानिस्तान में फैल चुका है तो ऐसा तो नहीं है कि वो इस्लामिक रैनासानस पार्टी और दीगर और जो इस्लामी कवते हैं आ, आ, इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं जहादी ग्रुप्स हैं ख़े के और उनका असर वसुख ताजिकस्तान में वो एक्टिवेट हो जाएंगे ये फ्रस्ट्रेशन है ताजिकस्तान के सदर की जिस वजह से वो हमें जो ये जो ख़बरें आ रही हैं उन उसके पीछे जो प्रॉब्लम है वो ये है ये एक डिलमा है आ, और जल्द ही हम ये भी देखेंगे कि उजबेकस्तान की तरफ से क्योंकि ताजिकस्तान की इतनी बड़ी आबादी नहीं है की गो के बॉर्डर अफगानिस्तान में वो रकबे के लिहाज से जो है छोटा है और ताजिकिस्तान का बड़ा है लेकिन 32 मिलियन की आबादी है उजबेकिस्तान तो में उनको भी यही खदशा होगा कि अगर अफगान उसबेको में तालिबानाइजेशन बढ़ गई है तो कितनी देर लगेगी कि जब वो उजबेकान का बॉर्डर क्रॉस करके उनके इलाके में आ जाएगी तुर्कमेनिस्तान का चूंकि सबसे बड़ा बॉर्डर है तो जाहिर है उसको भी एक तशवीश तो है लेकिन उसके पास एक कंफर्ट भी है वो ये है कि जो उनके इलाका जात हैं जहाँ उनकी पॉपुलेशन सेंटर्स हैं वो दूर हैं बॉर्डर से जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बहुत कम है तुर्कमेनिस्तान की अगर आप जो जो आप अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब आ जाते हैं लेकिन इससे यू नो कत नज़र उनको भी जो है खतरा है और उसके अलावा खतरा फिर ज को भी आता है कि अगर ताजिकिस्तान डिसेबलाइज हो जाता है उजबेकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आती कितनी देर लगेगी कि किर्गिस्तान में घुस जाएंगे वो और वहां पर तो जो है आपको पता है ऊपर नीचे दो हजार पांच से लेके अब तक तीन इनकलाब आए तीन दफा जो है वो जो है एक अपराइजिंग हुई है हुकूमत के हर तकरीबन पांच साल के बाद दो हजार पांच दो हजार दस और फिर दो हजार अभी हाल ही में भी हुई थी दो हजार सत्रह अठारह में मुझे तारीख याद नहीं है फिर इनका जो सबसे बड़ा मुल्क है काज़खस्तान जो इस सारी मंजरनामे को मग़रब की जानब से सॉरी वो शुमाल की जानब से देख रहा है वो, और वो अपने आप को वो समझता है कि वो इंसुलेटेड है क्योंकि ये इलाके उनका बॉर्डर नहीं लगता अफगानिस्तान में तो वो समझते हैं कि वो महफूज हैं फिर माली तौर पर भी काजस्तान खाज़, की रियासत बहुत अमीर है और पॉलिटिकली स्टेबल भी है आबादी इतनी ज्यादा नहीं 18 मिलियन के करीब शायद आबादी है तो वो उसको भी जो है फिर ख़शात लाक हो जाएंगे फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन इलाका जात में ये इस किस्म की जो है वो टेंडेंसी तालबनाइजेशन की सेंट्रल एशिया में फैलती है तो रूस को मजीद प्रॉब्लम हो जाती है यूरोप के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी का सबसे बड़ा जो शहर है वह मॉस्को है दो मिलियन मुसलमान हैं मॉस्को के अंदर और टेन मिलियंस जो हैं सेंट्रल एशियन वो रूस के अंदर जो है वो आ, अपना इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं वहाँ पे मतलब तो वो काम करने जाते हैं वहाँ पे तो ये एक बहुत बड़ा मसला है ये अभी तो हम पाकिस्तान को देख रहे हैं ईरान को देख रहे हैं चीन को देख रहे हैं लेकिन ज़्यादा बात नहीं हो रही सेंट्रल एशिया की लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये जो क्राइसिस है ये मज़ीद सेंट्रल एशिया को इनवेलप करेगा बहुत शुक्रिया काम बुखारी साहब हमेशा की तरह आपके साथ बातचीत करते हुए एहसास होता है कि बहुत सारी बातों पे अभी बातचीत होना बाकी है और वो जो बाकी बातचीत है वो आइंदा आने वाले हफ्तों में हम करते रहेंगे खास तौर रह पर अभी आपने ईरान का जिक्र किया तो ईरान तुर्की और पाकिस्तान की जो आपस में कहीं कहीं चपकलश भी होती है और कहीं कहीं साथ भी चलता है इस एंगल पर भी हम बातचीत को आगे लेकर चलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आज शरीक होने का व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे कामरान बुखारी साहब की कामरान बुखारी साहब हफ्ते में एक बार हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम जियो पॉलिटिक्स पर और उस रीजन के हवाले से एक तजिया उनके साथ आपके पेश नज़र करें आज का बिलात गलत तजिया देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पर आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें पैटर्नाइज़ कर सकते हैं एक बार फिर मैं टैग टी की तरफ से आपका शुक्रगुजार गुज़ार हूँ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.